dignitaries on the dais and off the dais and dear students, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अल्लाह साहब कह रहे थे कि मेरे जिंदगी का आज का ये दिन जो है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मैं समझता हूँ कि हर एक के दिल में भी यही बात उठी होगी कि हर एक के लिए भी जो है आज का दिन बहुत ही मौजिज और मोहतरम दिन है और इतने खुशियाँ देखने को जो है अल्लाह नसीब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब सुबह से इन तकरीब में शिरकत कर रहा था और हर एक के स्पीच सुन भी रहा था और जहाँ से शुरुआत हमारे आयशा मस्जिद से शुरू हुई है तो मैं इस सिलसिले में एक दो तीन बातें बहुत ज़रूरी करना सब मुनासिब समझता हूँ। मस्जिद नबवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुंतखब किए हैं और वो सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं था और उसके अलावा जो दूसरे जितने भी तंजीमी काम होते थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही पुख्तगी के साथ जो है उस नबवी से जो है करते थे और वो एक हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। अल्लाह करे कि हर मस्जिद जो है मस्जिद नबवी जैसा हो। एक दूसरी बात, कुरान शरीफ के अंदर जो इबादत के ताल्लुक से अहकामात हैं और हमारे जो कई पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं और उसमें जो है पहले ईमान है, उसके बाद नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तमाम चीज़ें, अगर आप देखेंगे कि 6,666 आयतें कुरान के अंदर हैं उनमें नमाज के लिए कितने आयतें हैं? हार्डली 200-300 या 400 आयतें हैं सलात के ताल्लुक से, वकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, वो लगातार वैसे ही चलते हैं। और उसके बाद सोम रोज़े के ताल्लुक से कितने आयतें हैं? 2 या 3 बड़ी मुश्किल से। हज के लिए कितने आयतें हैं? वो भी जो है 2 या 3। अब बकिया इतने हज़ार आयतें वो किसके लिए हैं? कुरान के अंदर अल्लाह के अहकाम किसके लिए हैं? वो सिर्फ माशरे के लिए, अखलाकियात के लिए, ये माशरे को सुधारने के लिए, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि लोग जो है दीन को जो है अपनाएं और फिर उसके बाद जन्नत में जाने वाले बन जाए। लिहाजा ये जो माशरे की बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत किए हैं और अल्लाह के अहकाम भी हैं और ये हम लोगों के लिए जो है एक रोल मॉडल है कि जैसा हम लोग इस मस्जिद से हम लोग शुरू करें हैं और ऐसे बुनियादें जो रखे हैं यहाँ पर उसे काफ़ी मैं मुतासिर भी हुआ हूँ। और जिस तरह से हमारे डाइस पर शाकिर साहब और शाहिद साहब वगैरह रहमतुल्लाह साहब, ये लोग सब स्टॉलवार्ड्स हैं अपने कम्युनिटी के और मैं चाहता हूँ कि जो है अपनी बच्चियाँ इस तरह से जो है ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, आप मेहनत करें, जैसा बताते हैं कि ड्रीम्स को जो है आप हाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी सोच, बड़ी से बड़ी दुआ, बड़ी से बड़ी पहुँच के लिए अल्लाह से आप मांगे, अल्लाह ज़रूर देगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप अपने कौम के जो है बच्चियाँ हैं और कल के फ्यूचर के जो है आप मुस्तकबिल के जो है होनहार बच्चियाँ हैं और ऑल कम अप इन फ्लाइंग कलर्स, ये मेरी दुआ है। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप चेन्नई से तशरीफ लाए और एक इंस्पायरिंग मैसेज देके जाए, बहुत खुश हो। तो बिफोर वी कंक्लूड दिस मीटिंग, यहाँ पे ड्रीम और ख्वाब की बहुत बात हो रही है और बहुत अच्छी बात है। इस पर हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का ये कहना है कि ड्रीम ख्वाब क्या है, आँख बंद करके ना दे, मतलब सो तो ख्वाब होते, ख्वाब खुली आँखों से देखो और वो ख्वाब देखो जो तुम्हें सोने ना दे। आप ही लाइन पे जोड़ दीजिएगा कि वो ख्वाब जो आपको सोने ना दे, तो आप वैसे ख्वाब देखें जैसे अभी शाइस्ता ने दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा शाइस्ता आपके अंदर भी और आपके सारे दोस्तों में भी हो और सब में इंशाल्लाह। वो चीज वो खुली आंखों से ख्वाब देखना जो आपको सोने ना दे।